आप जानते हैं कि कांग्रेस ने देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया। इसमें उन हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सब का क्या दोष था जो बॉर्डर के उस पार रह गए? ऐसे साथियों का ध्यान रखने की गारंटी देश के विभाजन के समय दी गई थी, लेकिन आजादी के बाद इस बात को भुला दिया गया। मैं यहां भी जब मातवा समुदाय के लोगों से मिलता हूं तो हमारे मतवा के समाज के लोग उनकी पीड़ा मुझे बताते हैं, वो मुझे सुनकर के बड़ा दर्द होता है। ऐसे हर व्यक्ति की पीड़ा दूर करने के लिए ही हमारी सरकार ने मतवा समाज जैसे सभी बंधुओं को न्याय देने के लिए सीएए लाने का साहस किया, लेकिन टीएमसी इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। लोगों को उम्मीद थी कि टीएमसी इसका सबसे ज्यादा समर्थन करेगी, लेकिन टीएमसी के लिए वोट बैंक की राजनीति सर्वोपरि है और अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। ये लोगों के बीच सीए के बारे में दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। टीएमसी को किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है, लेकिन टीएमसी को यह पता होना चाहिए कि वो सीएए को लागू होने से रोक नहीं सकती। और मैं सीएए के माध्यम से भारत की नागरिकता मांग रहे हर व्यक्ति को आज विश्वास दिलाता हूं, उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा, उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ मिलकर के रहेगा, और ये मोदी की गारंटी है।